मीडियाटेक का P60 2018 का सबसे परफॉर्मेंस वाला यहाँ पर एक प्रोसेसर जो है वो निकल के आया था, जिसको यहाँ पर ओप्पो ने, वीवो ने और रियल मी ने जो है उसको यूज़ किया था। और आज हम आपको बताने वाले हैं नोकिया के 5.1 प्लस के अंदर मीडियाटेक के P60 की परफॉर्मेंस किस तरह से मिलती है और नोकिया का 5.1 प्लस ओवरऑल किस तरह का फ़ोन है। नमस्कार, शर्माजी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसके क्विक अनबॉक्सिंग कुछ नए ही अंदाज में, जिसको देखकर आपको जो है काफी अच्छा लगेगा। बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिज़ाइन की, तो फोन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर ग्लास बॉडी टाइप डिज़ाइन दिया गया है, जो कि शाइनी, ग्लॉसी और देखने में आपको बहुत ही यहाँ पर अच्छा जो है वो लगता है। अगर हम बात करते हैं सामने की तरफ स्क्रीन की, तो 5.84 इंचेस की जो है वो 19:9 वाली जो है वो स्क्रीन दी गई है, जो कि यहाँ पर इस सेगमेंट में देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। नॉच डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में आपको दिया गया है। और नॉच जो है एक सब्जेक्टिव मैटर है, आपको पसंद आता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, यानी कि आईफोन में नॉच सबको पसंद आती है, दूसरे फ़ोन्स में जो है वो नहीं आती है। यहाँ पर जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो आपको HD प्लस में मिल जाती है, यानी कि आप जो है वो HD प्लस तक के वीडियोज़ व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P60 दिया गया है, जो कि इस सेगमेंट में एक किलर प्रोसेसर है। यहाँ पर 10,500 रुपये की कीमत के अंदर अगर हम और बात करते हैं, तो ये वाला वेरिएंट आपको 3GB और 32GB का मिल जाता है। 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है और साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है। USB Type-C, जी हाँ, इसमें आपको जो USB Type-C मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस में आपको और कोई दूसरा जो है वो नहीं दे रहा है आज की तारीख में। सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं, तो एंड्रॉयड 1 आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाता है एंड्रॉयड के ओरियो के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको एंड्रॉयड 9 या पाई बोले तो उसका अपडेट जो है वो मिल जाएगा। बैटरी की अगर बात करते हैं, तो 3000 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी मुझे थोड़ी सी यहाँ पर कम लगी, लेकिन यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बैटरी में। नोकिया के 5.1 प्लस की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस देने के लिए मीडियाटेक का हीलियो P60 दिया गया है, माली के G72 MP3 वाले GPU के साथ में, जिससे आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़िया मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एसपोर्ट 9 को जो है वो प्ले किया है, गेम प्ले जो है वो काफी स्मूथ यहाँ पर हमको मिला है और जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी बढ़िया यहाँ पे मिला है, कोई भी लैग यहाँ पर नजर नहीं आया है। तो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ये जो प्रोसेसर बना गया है, आपको गेमिंग के लिए आपको बहुत ही बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दे सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पबजी की, तो यहाँ पर हमने इसको जो मीडियम ग्राफिक्स में प्ले किया है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो मिली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेंचमार्किंग स्कोर्स की, तो एंतुतु में आपको जो है 1,14,468 का इसमें जो है वो स्कोर मिल जाता है और मल्टीटास्किंग करने में कोई भी दिक्कत आपको जो है वो नहीं आती है इस स्मार्टफोन के अंदर। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड फीचर्स की, तो फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है वो मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है, उसमें हमें कोई भी लैग जो है वो नहीं आया। आप टैप कीजिए एंड ऑन, टैप एंड ऑन। फेस अनलॉक की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो है हीलियो के P60 की बदौलत से काफ़ी अच्छा यहाँ पर फास्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फेस रिकॉग्निशन है वो गूगल का यहाँ पर डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में यूज़ किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको फेस अपना जो है सेटअप करना है और उसके बाद में आपको पावर बटन को टैप करना है, और आप ध्यान से देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको लॉक का आइकन जो है वो ओपन मिल जाएगा। अगर एक बार आपको यहाँ पर जूम करके दिखाएं, तो आप देखें यहाँ पर आपको दबाना है बटन और उसके बाद में अनलॉक हो जाता है, लेकिन आपको स्लाइड अप यहाँ पर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गूगल यहाँ पर एक अपडेट देगा कि
स्लाइड अप भी जो ना करना पड़े और बटन दबाते ही जो खुल जाए। कैमरा की अगर बात करें तो नोकिया में आपको जो 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का जो है वो डुअल रियर कैमरा दिया गया फ्लैश के साथ में, और यहाँ पर मीडियाटेक का जो ISP और DSP है वो फोटोग्राफी में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है रेडमी के नोट 6 प्रो जिसमें आपको स्नैपड्रैगन के 636 से यहाँ पर मिलता है। तो पहली फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वो ग्रीन और व्हाइट को दिखाने के लिए ली गई है। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 5.1 प्लस यहाँ पर और राइट साइड में आपको नोट 6 प्रो मिलता है। नोट 6 प्रो में जो एक्सपोजर का लेवल है वो कम है और यहाँ पर 5.1 प्लस यहाँ पिक्चर आपको बेटर दिखाई देती है। दूसरी पिक्चर की बात करें तो HDR है, उसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बैलेंस एक्सपोजर है यहाँ पर 5.1 प्लस में, और जो डिटेलिंग है वो काफ़ी क्लियर आपको दिख रही है। तीसरी फोटो में भी आप देख सकते हैं जो रेड कलर है वो आपको यहाँ पर बेटर दिखाई देता है 5.1 प्लस के अंदर। चौथी फोटो में आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज दिखाने की कोशिश की है, तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि आपको डिटेलिंग मिल रही है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो है पिक्चर वॉश आउट हो गई है। अगर आपको जूम करके भी यहाँ पर दिखाएंगे तो जो टेक्स्ट आप देख सकते हैं उसमें आपको नोट 6 प्रो में थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, जबकि 5.1 प्लस में हल्का सा ग्रेनी हो गया है। इस फोटो में बात करें तो पोर्ट्रेट मोड को टेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जो है पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। रेडमी के नोट 6 प्रो में आपको जो कलर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक रियल पर्सन के ऊपर अगर पोर्ट्रेट मोड की, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से आपको जो है वो दिख रहा है, वेल एक्सपोज्ड है, और जो लाइट है वो मेरे राइट साइड से आ रही थी, तो आप देखेंगे मेरा जो लेफ्ट साइड में फेस है वो थोड़ा सा यहाँ पर डार्क एरिया में आ गया है। ओवरऑल यहाँ पर जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, और जो थोड़ा बोके है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अननेचुरल हो गया है नोकिया के अंदर। ये सेल्फी मोड की पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, फेस के ऊपर जो है ब्यूटीफिकेशन प्लस जो है वो पोर्ट्रेट मोड लिया गया है। हालांकि नोकिया में डुअल कैमरा नहीं है फ्रंट में, फिर भी जो बोके है वो बिल्कुल नेचुरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नोट 6 प्रो में वो सॉफ्टवेयर वाला बोके है। ये वाली फोटो आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल मोड में ली गई है, थोड़ा एक्सपोजर यहाँ पर कम है, बैलेंस्ड है, और जिस तरह से लाइट्स पड़ रही थी फेस के ऊपर वैसे ही है, जबकि नोट 6 प्रो में आपको ब्यूटीफिकेशन के साथ मिलती है। दोनों ही फोटोज अच्छी हैं, आपको डिपेंड करना है कि आपको कौन सी जो है वो अच्छी लग रही है। और ये वाली जो फोटो है वो उसकी HDR मोड में ली गई है नोकिया के 5.1 प्लस में, जो मेरा नेचुरल कलर है, नॉर्मल जो फेस का कलर है, जो फेस का टोन है, वही आपको लग रहा है, जबकि नोट 6 प्रो में थोड़ा सा एक्सपोज यहाँ पे किया गया है, यानी कि थोड़ा एक्सपोजर लेवल बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो खासियत है इस प्रोसेसर में ये है कि आपको जो है वो ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। आज की तारीख में हर कैरियर आपको जो है वोल्टी का सपोर्ट दे रहा है, तो अगर आप ऐसे दो कैरियर यूज़ करते हैं जो दोनों ही वोल्टी हैं और दोनों ही 4G हैं, तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर जो है वो जियो 4G वोल्टी जो दिल्ली में अवेलेबल है दोनों में चलाकर हमने जो है वो दिखा दी है। दोनों में ही आपको जो एक्टिव मिल सकती है, यानी कि आप दोनों पे ही कॉल्स जो है वो ले सकते हैं और दोनों पे ही जो कॉल कर सकते हैं स्टैंडबाय सिस्टम के ऊपर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फोन की ब्राइटनेस की, तो इसको जो है आउटडोर में लेके गए हैं तो भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं फुल ब्राइटनेस तो आपको दिख ही रहा है। अगर हम मीडियम ब्राइटनेस भी कर देते हैं तो भी आपको जो है वो आपकी आंखों से जो विजिबल हो जाएगा, शायद से इस कैमरा में नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको आराम से विजिबिलिटी मिल जाती है। और अगर बात करते हैं आउटडोर्स में जिस तरह से हमने दिखाया, तो फुल ब्राइटनेस में भी आपको विजिबल हो जाएगा, ऐसी कोई शिकायत जो है नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है या दिख ही नहीं रहा है। ओवरऑल अगर बात करते हैं यहाँ पर नोकिया के 5.1 प्लस की, तो काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर ये जो है फोन परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। उसके अगर आप बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की, तो यहाँ पर इसका जो डिजाइन है वो एक अच्छी प्रॉज है। इसकी जो प्राइस है 10,500 के अंदर काफी यहाँ पर क्लियर निकल के आई है। उसके बाद में आपको सी टाइप मिल जाता है जो कि भाई साहब कोई देखने को भी नहीं देता है। सी टाइप से आपका जो डेटा सिंकिंग है वो फास्ट हो जाती है और साथ साथ में चार्जिंग भी थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है मिल जाती है। हालांकि चार्जिंग आपको 10 वॉट पे ही यहाँ पर मिलती है। और अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वो किसी भी एंगल से कम नहीं है। मीडियाटेक के हीलियो P60 को धन्यवाद देना यहाँ पे बनता है। साउंड की क्वालिटी यहाँ पर मैं जो है काफी देर तक वीडियोस भी इसमें देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो साउंड मुझे जो है उसका लाउड लगा दूसरे कंपैरेटिव यहाँ पर फोन्स के साथ में। और अगर बात करते हैं तो फोन जो है काफी लाइट वेट है, हालांकि बैटरी 3000 mAh की दी गई है तो वो एक कॉन में आती है, लेकिन जैसा है आपको बता दिया। अगर हम कॉन्स की बात करते हैं तो स्क्रीन जो है इसकी वो फुल HD प्लस की नहीं है, सिर्फ HD प्लस की मिलती है, तो वहां पर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो जाता तो हमें और देखकर अच्छा लगता। तो देखते हैं कि अब 5.2 जब आएगा या 5. जो भी आएगा उसमें फुल HD मिलने को देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं जो डिजाइन इसका दिया गया वो बिल्कुल ग्लास की तरह दिखाई देता है, हालांकि ये फाइबर प्लास्टिक यहाँ पर जो है वो यूज़ किया गया है, जो कि आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान से रखना पड़ेगा। कवर नहीं दिया गया तो कवर भी आपको अलग से लगाना ही पड़ेगा। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिया गया वीडियो नोकिया के 5.1 प्लस के लिए पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लूट सकते हैं इसको, आप फ्लिपकार्ट के ऊपर लूट रहा है मतलब कि बिक रहा है, आप ले लीजिए 10,500 रुपये के अंदर, और भी बहुत सारे डिस्काउंट आते रहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। शर्मा जी टेक्निकल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए महात्मा की जय।